दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके और इस बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आप हमारी सारी लेटेस्ट रेसिपीज सबसे पहले देख सकें। नमस्कार, दीपा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपसे एक नए तरीके से आलू चॉप की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई रखी है, उसमें हम एक बड़ा चम्मच डालेंगे रिफाइंड ऑयल। इसको हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून जीरा, एक ही टुकड़ा अदरक का कद्दूकस कर लिया इसको हमने, और दो हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। थोड़ा इसको हम भूनेंगे। साथ में डाल देंगे हम एक मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ, वो डाल देते हैं। प्याज को हम दो मिनट लिए भून लेंगे। प्याज को भूनते हुए दो मिनट हो गए हैं। अब यहाँ हम डाल देंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च ना डालें और लाल मिर्च ना डालें। और यहीं पे हम डाल देंगे हमने भुनी मूंगफली ली है, इसको हमने दरदरा हल्का सा पीस लिया है। मूंगफली डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। मूंगफली साथ इसको हम एक मिनट के लिए भून लेंगे। हमने यहाँ पर ये तीन मीडियम साइज के उबले हुए आलू, इनको मैश कर लिया हमने, ये मिला देते हैं। हमने आलू को भी दो मिनट के लिए भून लिया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस को हम बंद कर देंगे, इसे हम दूसरे बर्तन में पलट कर ठंडा कर लेंगे। आलू का पेस्ट ठंडा हो गया है, अब हाथों हम थोड़ा चिकना लगाएंगे और थोड़ा सा हम कुछ पेस्ट को लेंगे हाथ में और बॉल की शेप में हम बनाएंगे इसको और थोड़ा इसको हम चपटा कर देंगे इस तरह से। इस तरह से चपटा हम बना लेंगे। इस तरह बना के सब तैयार कर लेंगे। देखिए हमने ये टिक्कियां बना के तैयार कर ली हैं। अब इसके लिए हम घोल तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पे आधा कप बेसन लिया है, आधा कप हमने लिया है चावल का आटा, डालेंगे हम 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर या फिर ऑप्शनल है, और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। देखिए हमने इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है। इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए,
एक कप पानी लग गया है। यहाँ पर हम डालेंगे एक पिंच बेकिंग सोडा। इसको मिक्स कर लेंगे। हम गोल में टिक्की डालेंगे इस तरह से, दोनों साइड से इसको लपेट लेंगे हम गोल में और धीरे से हम कढ़ाई में डालेंगे। इस तरह के आलू के पेट से आप कटलेट बना सकते हैं। बस बेसन की जगह पे आपको 1/4 कप यहाँ पे आप चाहे तो चावल का आटा ले लीजिए या मैदा ले लीजिए, उसका पतला घोल बना के ब्रेड क्रम्स लपेट के तब उसका फ्राई करिए। बहुत बढ़िया कटलेट बनके तैयार हो जाएगा। देखिए हमारे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए आप हमारे वीडियो को लाइक